आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस लंकिनी का भी, राजनैतिक लंकिनी है ममता बनर्जी। मैं तो इसका नाम पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि राजनैतिक लंकिनी का भी वध होगा और वहां पर रामराज स्थापित होगा। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना ताड़का असुर से कर डाली है। बीजेपी विधायक ने कहा कि बंगाल में भी बीजेपी सत्ता में आएगी, ममता बनर्जी लोकतंत्र की ताड़का हैं। बंगाल में इंसान और इंसानियत सुरक्षित नहीं है, इस बार बंगाल में ताड़का का वध होना तय है। राम लक्ष्मण और हनुमान पैदा हो चुके हैं। वास्तव में भारत की धरती पर जम्मू कश्मीर के बाद यदि हिंदुओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान कहीं है तो इस समय बंगाल की धरती है, और हिंदू समाज यदि नहीं चेता इस बार तो जम्मू कश्मीर से जैसे हिंदुओं को पलायित होना पड़ा, ठीक वो स्थिति बंगाल में ही आ जाएगी। और शीर्ष नेतृत्व से मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे राक्षसी स्वभाव के ताड़का का रूप में मानता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि भारत में राजनैतिक क्षेत्र में एक तरह से बंगाल राजनीति का लंका हो गया है, तो उस लंका के क्षेत्र में लंकिनी का राज्य चल रहा है। और मैं कह सकता हूँ भगवान ने बंगाल की धरती को भी आज़ाद करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए राम और लक्ष्मण के रूप में और हनुमान के रूप में मोदी और जोगी को भेज चुके हैं, और ताड़का का वध होगा और राजनीतिक लंका जो पश्चिम बंगाल बना हुआ है तो राजनीतिक लंका का भी राज्याभिषेक किसी सज्जन और सदाचारी व्यक्ति के ललाट पर होगा, इसमें कोई दोरा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस लंकिनी का भी, राजनैतिक लंकिनी है ममता बनर्जी। मैं तो इसका नाम पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि राजनैतिक लंकिनी का भी वध होगा और वहाँ पर रामराज स्थापित होगा और भगवा ध्वज लहरेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता में हैं। इसी दौरान डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पथराव किया गया, जिसको लेकर अब बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर हमलावर हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले भी सुरेंद्र सिंह कई विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर विदेशी ताकतों के बल पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी अपनी भाषा बदल लें, नहीं तो उनका भी हश्र कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम जैसा होगा। सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि ममता बनर्जी एक भारतीय हैं, इसीलिए वो यहां रह सकती हैं। बरेली से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।